والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. मौलया सा इमन अबन अला हबीब का ख़ैर ख़लक़लहमी मैंने आज जो हदीस शरीफ़ पढ़ी वो इमाम बुखारी रहमत ने अपनी किताब में किताबलाईमान के तहत दर्ज फरमाई इमाम मुसलिम रहमत ला ने इसी हदीस को ईमान के तहत उन्होंने भी दर्ज फ़रमाया ये इस एतबार से इंतहा से ज़्यादा मुत्तफ़क अल हदीस है यानी इसमें किसी लफ्ज़ की कमी बेची भी दोनों कुतुब में नहीं है और इसीलिए इस हदीस शरीफ़ के सिलसिले में किसी इख्तलाफ के बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ला ने एक काम ये किया कि इस हदीस शरीफ से पहले एक और हदीस शरीफ बयान फरमाई यानी इस बाब में एक और हदीस दर्ज की उन्होंने उस हदीस के रावी हजरत अबो हरेरदी तु हैं फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद फरमाया वल नफसी बही ला वहाद من والده وولده، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. अब आप पहली हदीस शरीफ़ को और इसको मिलाकर पढ़िए ईमान बड़ा ताज़ा होता है दरअसल रबी अलावल शरीफ़ का मुनासिब मौक़ा है और जो मौक़ा हो उसके मुताबिक बात करनी चाहिए रसम दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है तो हम क्यों ना करें बात यह है कि हम भी तो बहाना ढूंढते हैं ना बात करने का और जब मौका ही मिल जाए जब मौका ही ऐसा हो तो अल्लाह बात यह है कि यह ये महीना ये दिन ख़ास कर और इसकी रातें ब कसरत नबी सलाम पर दुरूद पढ़ने के दिन और दरुद शरीफ की रातें हैं ये वजह यह है कि इस मुबारक महीने की नस्बत और इब्तदाई अशरे की नस्बत इंतहाई शदीद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वम के साथ इंतहाई करीबी नस्बत भी है और इंतहाई अहम नस्बत है क्योंकि ये हुजूर के जहूर फरमाने के अयाम हुजूर की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के अयाम है और पहली अदी शरीफ में हजूर ने अर्षाद फरमाया कसम है उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने वालिद और अपनी औलाद से ज़्यादा महबूब तर ना समझे पहली हदीस शरीफ मैंने इसलिए पढ़ी कि उसमें हुजूर ने कसम खा के अर्शाद फरमाया इस बात को और कसम इसलिए नहीं खाई जाती कि यकीन दिलाया जाए बात का बल्कि कसम इसलिए खाई जाती है कि जुमले को कलाम को मज़बूत कर दिया जाए तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अब हुररा की रिवायत जो इमाम बुखारी को मिली वो ये थी लेकिन इस हदीस शरीफ से पहले इमाम बुखारी ने एक बाब क़ायम उनवान बाब है जिसको तर्जमतुलबाप भी कहते हैं बुखारी में फरमाया हब्बर रसूल मिनलान आप इसका तर्जमा समात फरमाइए और इस तर्जमे से अपने कुलूब को अपने दिलों को मनवर फरमाइए इमाम बुखारी बताने के नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम से मोहब्बत ही ईमान है हुजूर से मोहब्बत ही ईमान है इसलिए कि हुजूर से मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मुराद ये भी है कि मोमिन कामिल नहीं नाक ही सही मोमिन तो है मतलब तो शायद यही निकला मुहदसिन कहते हैं कि मोमिन ही नहीं कामिल और नाकस कहाँ हुआ अगर इमाम बुखारे को कहना होता कि मोमिन कामिल नहीं तो उसमें शर्म की क्या बात थी कह देते फरमाए हब्बुर रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान से है यानी ईमान है मतलब कि अगर ये मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं देखिए किताबुल ईमान में ऐसी अदीस मौजूद हैं कि जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आदत किसी में नहीं है तो ठीक है नाकस दर्जे का मोमिन है फरमाया कि खाना खिलाना ईमान में से है यानी ईमान की खसलत है फिर फरमाया कि बाकी चीज़ों के बारे में भी मिनल ईमान हया ईमान में से लेकिन अगर किसी में हया नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है हया नहीं है तो नाकिस मोमिन है जब हया आएगी तो कामिल मोमिन हो जाएगा उसमें क्या बात है नक्शी तो है कभी पूरा हो जाएगा लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मामला जो है वो ये है कि ये नहीं होगी तो ईमान नहीं होगा क्योंकि ये आदत नहीं है ये तो अमर का मामला है हुक्म का मामला है ये तो यहाँ तो हुजूर ने कसम खाकर इतना कामिल तरीन नुस्खा बता दिया कि और चीज़ें तो आदत हैं ये आदत नहीं है शर्त है ये शर्त में और आदत में फ़र्क होता है भई शख़्स में हया नहीं है बेहया है ना ठीक है फिर भी मोमिन तो है हया आएगी ईमान आ जाएगा खाना नहीं खिलाता कंजूस है ठीक है बहुत बुरी आदत है उसमें नाकिस ईमान है कामिल हो जाएगा कोई मसला नहीं इसके अलावा और चीजें किसी में तो वो जैसे जैसे कमी पूरी होती जाएगी ईमान आता जाएगा उसमें लेकिन हुजूर की मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं देखिए ये एक शय ऐसी है जिसके ना होने से ईमान की नफ़ी हो जाती है इसका होना ही ज़रूरी है क्योंकि ये आदत नहीं है ये शर्त है क्योंकि हुजूर ने कसम खा के अर्शात फरमाया देखिए कभी हुजूर ने यानी नहीं फरमाया कि कसम है उस जात की, जिसके कब्जे में मेरी जान है कि जिसमें हया नहीं वो मोमिन नहीं कहीं पे भी नहीं है ये कहीं पे भी नहीं आया